अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर कुदूस। जैसा कि आप जानते हैं कि आज पूरी दुनिया के अंदर वर्ल्ड वाटर डे मनाया जा रहा है। पूरे मुल्क के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर पानी की जो अहमियत है, अफादियत है, उसके बारे में अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं और किस तरह से लोगों तक साफ पानी पहुँचाया जाए, इस हवाले से जो है लोगों के अंदर अवेयरनेस प्रोग्राम किए जा रहे हैं। लेकिन आज जो एक्सपोज होने जा रहा है महकमा पीएचई का, वो ज़रा आप देखिए, क्योंकि आज हमने मुनासिब समझा कि दुनिया में, जहां पूरी दुनिया के अंदर वर्ल्ड वाटर डे मनाया जा रहा है, वहीं हम बताएं कि यहां के लोगों को कौन सा पानी मिलता है। ये मेरे सामने आप देख सकते हैं, ये पानी आ रहा है, बिल्कुल रास्ते का पानी है जहाँ से हर इंसान गुजरता है। बारिश का पानी, मतलब तमाम गंदगी जो है इस पानी के अंदर मौजूद है, क्योंकि ये रास्ते से आता है और रास्ते से आता कोई इसके ऐसी डिफेंस जो है ड्रेन नए सिस्टम नहीं बनाया गया है, कोई भी ऐसी चीज़ यहाँ पे नहीं बनाया गया है। तो ये पानी सीधा जाता है इनके टैंकियों के अंदर, महकमा पीएचई की टैंकियों के अंदर, और यही पानी जो है करना की जनता पीती है, करना के लोग जो हैं इसी पानी पर डिपेंड है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पानी की, आप पहले सबसे पहले ये देखिए, बिल्कुल काला पानी जैसे आप देख सकते हैं, और उसके बाद आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि करना के लोग को किस पानी पर डिपेंड हैं। मैं आपको ये बताते चलूं कि कई बार हमने यहाँ पहले भी मैंने स्टोरी की, उसके बाद मैंने असिस्टेंट जो है पीएचई का कंसर्न, उनसे बात की, उन्होंने कहा कि विद इन नो टाइम जो है इस पर काम लग जाएगा और यहाँ पे प्लांटेशन जो है, सॉरी, जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है उसकी भी मंजूरी हुई है, लेकिन कोई ठेकेदार जो है उसको काम नहीं करवा रहा। तो सबसे पहले आज कम से कम 15-20 दिन हो गए हैं इस स्टोरी किए हुए, लेकिन कोई भी इम्पैक्ट आपको नज़र नहीं आ रहा है। आज हम फिर आए यहाँ पे, एक तो बारिश का सीज़न है, पूरी गंदगी जो है इस पानी के अंदर आ जाती है बारिश के अंदर, आप देख सकते हैं। ये है पानी जो पूरे करना को, कम से कम जो है पूरे करना के गांव जो हैं इस पे डिपेंड हैं। टंगडार का पूरा जो एरिया है, कम से कम 10-12 गाँव यही पानी पीता है, और पानी की सिचुएशन आप देख सकते हैं कि तमाम चीज़ें जो हैं, तमाम कीड़े मकोड़े, तमाम गंदगी जो है, रोड की गंदगी या रास्तों की गंदगी या नालियों की गंदगी इस पानी में आकर मिलती है, और फिर ये लोगों को मजबूरन ये पानी पीना पड़ता है। कई बार जो है मुतल्लिका महकमे को रिमाइंडर पेश की गई, लेकिन उनके कान तक जूं तक नहीं रीती, आखिर ये क्या मसला है। आज फिर हम यहाँ पे पहुँचे कि हम एक्सपोज करें इस चीज़ को और लोगों तक ये मैसेज पहुँचाएँ कि जहाँ वर्ल्ड वाटर डे मनाया जा रहा है कि लोगों को किस तरह से साफ पानी मुहैया किया जाएगा। वहीं हम यहाँ पे पहुँच के हमने ये दयाफत किया कि हम लोगों को ये बताएं कि कौन सा पानी जो है हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये पानी जो है पीने के काबिल है या नहीं है। सबसे बड़ा इशू यही है, क्योंकि कई बार रिमांड पेश करने के बाद महकमा फेल हो चुका है, कोई भी जो है कार्रवाई नहीं कर रहा है, कोई भी जो है इस पर कोई ड्रेनेज सिस्टम या कोई ऐसी चीज़ जो है नहीं बना रहा है जिससे लोग जो है सेफ रह सकें, पानी पी सकें। आप देख सकते हैं, ये है सीधा पीएचई का जो टैंकी है जहाँ से वाटर कम से कम जो है टंगडार एरिया को जो है सप्लाई किया जाता है, पूरा पानी जो है लोगों को पीने के लिए यहाँ से सप्लाई किया जाता है। यह हजनार के अंदर वाक़ा है और आप देख सकते हैं इसकी सिचुएशन क्या है। सबसे पहले ये एक्सपोज आप देखिए कि किस हालात, किस तरह से जो है लोगों को मजबूर किया जाता है कि ये पानी पिए। आप देख सकते हैं, मैं आपको वाजिया तौर पर, इसके अंदर कीड़े भी हैं, मिट्टी भी है, गंदगी भी है, सब कुछ जो है इसके अंदर मलवस है, और यही मजबूर किया जाता है लोगों को कि पानी पिए। बड़ी बड़ी बिलें वसूल करने के बावजूद, एग्रीमेंट करवाने के बावजूद, लोगों को फिर भी मजबूर किया जाता है कि यही पानी पिए, ताकि उनकी सेहत जो है दिन ब दिन बिगड़े और दिन ब दिन जो है वो बीमारियों का शिकार बने। सवाल ये होता है कि करना को कब फिल्ट्रेशन प्लांट मिलेगा, करना के लोगों को कब जो है साफ पानी मिलेगा, करना के लोग जो हैं कब जो है साफ पानी पीकर फिर से जो है तंदुरुस्त ज़िंदगी जिएंगे। ये फिर जो आप देख सकते हैं, ही नाली जाती है उस टैंकी के अंदर और वहाँ से पानी जो है सप्लाई होता है मुख्तलिफ चैनलों के जरिए, मुख्तलिफ गाँव के अंदर जो है ये पानी सप्लाई होता है, और यही पानी जो है आगे जो है लोग पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यही पानी जो है उनके घरों तक पहुँचता है। मगर आप सिचुएशन देखकर आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि सबसे बड़ा एक्सपोज जो है पीएचई का, महकमा पीएचई का, वो इससे बड़ा एक्सपोज नहीं हो सकता है। और आज जब हम यहाँ पे पहुँचे तो हमने देखा कि सिचुएशन यूँ की तू ही है, कोई भी जो है काम इस पर नहीं हुआ है। तो इस हवाले से आज ये मैसेज हम देना चाहेंगे
वर्ल्ड जहां वाटर डे मनाया जा रहा है, तो वहां पे लोगों का सेहत का यहां सरहदी तसले करना के अंदर ज़रूर ख्याल रखा जाए और लोगों के सेहत के साथ साथ जो उनकी सबसे अहम ज़रूरत है, पानी जो है ज़िंदगी की अहम ज़रूरत है, इसको बचाया जाए और इसको जो है साफ़ सुथरा लोगों तक पहुँचाया जाए। जल्द अज जल्द जो है फिल्ट्रेशन प्लांट नस्ब किया जाए या कोई ऐसे इकदाम उठाए जाए ताकि जो ड्रेनेज सिस्टम जो है इसका ठीक हो सके और जो ये पानी पी रहे हैं लोग, गंदा पानी जो पीने पर मजबूर हैं, उससे बच सकें और आने वाले टाइम में बीमारियों से भी बच सकें। तारिक ताहिर साहब कि आप यहाँ तक आए, ज़िंदगी को जीने के लिए दो चीज़ चाहिए, हवा और पानी। हवा तो हमारी अच्छी है लेकिन पानी हमारा ठीक नहीं है जी, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन को पहले भी हम लोगों ने कई बार इन्फॉर्म किया कि हमारे पास जो है पानी तो है लेकिन हमारे पास वाटर ये फिल्ट्रेशन पानी नहीं है जी। चश्मे हमारे पास रिसोर्स बहुत हैं लेकिन उनका मैनेजमेंट ठीक नहीं है, मतलब साफ़ सफाई का ख्याल नहीं है। अब जो है छोटे मुलाजिम हैं, इनको पाइप जोड़ के दे दिया, ये पानी सप्लाई तो करते हैं लेकिन ये कब तक जो है पानी जो पाइपों में जा रहा है उसमें मिट्टी भी जा रही है और छोटे मोटे कीड़े भी जा रहे हैं जब बरसात होती है। इवन के जो नालों का पानी जो है वो भी आके इन टैंकों में ही गुजरता हुआ और लोगों को बड़ा इस चीज़ से सफ़र करना पड़ता है घरों में जाके पानी की, और बीमारियां ज़्यादा हो गई इसकी वजह से। इसलिए एक रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन से कि यहाँ पे एक अच्छा फिल्ट्रेशन प्लांट जो है बनाया जाए और टैंक बनाए जाएँ जो कि बरसात का पानी जो आ रहा है उसके लिए अलग एक ड्रेनिंग सिस्टम रखा जाए साइड से, ताकि वो साइड से वो पानी बह के खेतों और नालों में चला जाए लेकिन पीने के लिए जो पानी जा रहा है उसमें वो पानी मिक्स ना हो। ये एक्चुअली फ़ीस किस मैं कल ही 1900 रुपये भर के आया हूँ, 2 साल की फ़ीस थी मेरी। पानी हम भी यही पी रहे हैं, अब कोई जो है गरीब आदमी उन चीज़ों को अवेयरनेस नहीं है, नॉलेज नहीं है कि पानी को उबाल के पिए, फिल्ट्रेशन घर में, अब सबके घरों में फ़िल्टर तो है नहीं, सब गरीब हैं यहाँ। लेकिन एक गवर्नमेंट जब फीस क्लेम कर रही है सबसे तो इनका फ़र्ज़ बनता है कि इनको फिल्ट्रेशन पानी जो है साफ़ दे, और ये एक बड़ी रिक्वेस्ट है। फिल्ट्रेशन जो हम पी रहे हैं हालत तो ऐसी है, मतलब देखो यहाँ से जो पानी जा रहा है ये हाजी नाड़ दुम्बा से जो पानी जा रहा है ये यहाँ से टंगडार शाटापुला लूठा इवन के बहुत आगे तक जा रहा है ये पानी, तो उन लोगों को क्या हाल होगा जो ये पानी जा रहा है। एक तो पानी का रिसोर्स कम हो चुका है, इनको टैंक बना के और पानी को थोड़ा रोक के और पानी को आगे बढ़ाया जाए, और ख़ास तौर पे दाएं बाएं जितने भी दरख्त हैं ये कटवा दिए जाएं जो अनलीगल लगाए हुए हैं पेड़, और इसकी वजह से भी गंदगी ज़्यादा हो रही है। और इस पे ज़्यादा जो मैं इनसे गुजारिश करता हूँ पीएचई डिपार्टमेंट से कि इस पे ज़्यादा गौर किया जाए और इस पे साफ़ सफाई का ख्याल किया जाए और जल्दी से जल्दी इसकी एक अलग से ड्रेनिंग सिस्टम बनाया जाए जो कि साइड में बरसात का पानी जो इसमें कनेक्ट ना हो आगे लोग